नमस्कार दोस्तों, डॉलर येन एंड येन आईएनआर वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। ये पार्टिकुलर एनालिसिस हमने लास्ट हफ्ते से ही चालू किया है, जहां पे हम करेंसी स्पेसिफिक एनालिसिस करेंगे रेदर देन डिस्कसिंग ऑल द करेंसी पेयर्स इन ए सिंगल गो। तो जिनको ये करेंसी पेयर के ऊपर स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, ये एनालिसिस उन लोगों के लिए ही टारगेट किया है जो लोग और भी ज्यादा एनालिसिस इन डेप्थ देखना। वीकली पे जो डॉलर येन क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 144.96। ये लो कहां पे है? 141.60। द टाइप ऑफ द कैंडल इज ए पिन बार विद द प्राइस रिजेक्शंस, शार्प रिजेक्शंस फ्रॉम द लोअर एंड। इस एनालिसिस को और आगे बढ़ाने से पहले हम एक मंथली पर्सपेक्टिव का चार्ट एनालिसिस को देखना पसंद करेंगे। मंथली पे ये जो 151.7580 लेवल पे ये डबल टॉप बनाने के बाद नीचे की तरफ प्रयास कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि फरवरी ऑनवर्ड्स एक अपवर्ड मोमेंटम मारा था, जिसमें सिर्फ दो बार आपका मार्च महीने में एंड जुलाई महीने में नेगेटिव कैंडल मंथली कैंडल बनाया हुआ था। एक ही कैंडल फिर ग्रीन कैंडल आ चुका था, लेकिन ये जो नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर का एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के बाद उस ट्रेंड को अगर देखना चाहेंगे, सपोज दिस वन, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? एक रेड कैंडल आ रहा है, उसके बाद उसके हाई के ऊपर कंटिन्यूशन, फिर एक रेड कैंडल आ रहा है उसके हाई के ऊपर फिर कंटिन्यूशन, फिर ऑल टाइम हाई पे एक नेगेटिव कैंडल बन रहा है। दैट बीइंग द केस, इस हाई के ऊपर कंटिन्यू हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, ये हो गया। लेकिन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर कैसे प्राइस बिहेव किया? फर्दर नेगेटिव ऑन द डाउनसाइड। यहाँ पे क्या हुआ? पिछले हफ्ते में बीओजे ने जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को ब्रेक करने का एक डिसीजन लिया है, तो उसी के पर्सपेक्टिव पे येन में काफी स्ट्रेंथ दिखा। ये हो गया मंथली। वीकली इज आपका, अगर देखेंगे जो अबोव 60 में RSI था वो बिलो 60 में आ चुका है, करेंटली 47.70, 40-60 के बीच में एक मूव हो रहा है। दैट मीन इन द केस वीकली पर्सपेक्टिव में दोनों साइड में अच्छा खासा एक मोमेंटम आने वाले हफ्तों में हम एक्सपेक्ट। ये जो कैंडल है, ये कैंडल का इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। डॉलर येन को अगर नीचे के तरफ जाना है, यानी और फर्दर सेलिंग होना है, तो पहला इम्पोर्टेंट हर्डल इज द स्विंग लो लास्ट वीक में जो बनाया, दैट मींस 141.6। करेंसी पेयर को नीचे तभी जाएगा अगर इस लो को नीचे के तरफ ब्रेक डाउन कर। That being the case, आने वाले दिनों में यहाँ पे एक सपोर्ट हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हम अगर इसको डेली पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो डेली में एक इनसाइड बार फ्राइडे के दिन बनाया हुआ है, जो थर्सडे का नेगेटिव कैंडल के अंदर में फॉर्म हुआ है। दोनों केसेस में प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड, नीचे के लेवल पे प्राइस रिजेक्शंस, शार्प रिजेक्शन हुआ। इसका मतलब क्या है? ये जो बॉटम है अभी रिसेंट मींस एक सपोर्ट, नियर फ्यूचर में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है डेली पर्सपेक्टिव। इसको अगर नीचे जाना है तो इस सपोर्ट को तगड़ा क्लोज देना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे अगर हम 200 पीरियड का मूविंग एवरेज डालेंगे तो एक्सपोनेंशियली ले लेते हैं, तो आप देखोगे ये जो दो दिन का एक्टिविटी है एट 200 पीरियड मूविंग एवरेज, एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन या एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है जहां पे प्राइस थोड़ा सा टाइम पास कर सकते, यानी कुछ समय के लिए डॉलर येन इस जोन पे सपोर्ट बिल्डअप। अगर फर्दर सेलिंग होना है
तो 200 मीडियन मूविंग एवरेज के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा। क्या ये होता है, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। अभी आते हैं येन आईनर। येन आईनर का जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 57.50। बैक टू बैक चार वीकली ग्रीन कैंडल्स बनाया हुआ। RSI बिलो 40 से अबो 40 में नाउ 54.7। इमीडिएटली 60 में एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हुआ है कहाँ से आया है, आपका मार्च महीने से एक शार्प फॉल आया है। तो इतना शार्प फॉल के बाद प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंसेस हिट करेंगे। तो हमारा एक इमीडिएट जो मेजर वीकली पर्सपेक्टिव में जो रेजिस्टेंस हो सकता है ये कौन सा है, ये 59 से 59.70 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। अगर हम मंथली पर्सपेक्टिव में प्राइस एक्शंस को देखने का प्रयास करेंगे तो यहां पे हम क्या देखेंगे, डबल बॉटम फॉर्मेशंस एंड RSI डाइवर्जेंस। हालांकि यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स है सो इस डाइवर्जेंस का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशंस नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है डबल बॉटम के बाद। अभी आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में एक अपवर्ड बायस देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मंडे को दिन अब जाके लॉन्ग मार के बैठ जाओ। मंथली पर्सपेक्टिव दो पांच महीना टाइम रहेगा, क्या तब तक आप बाय करके होल्ड कर पाओगे, दैट इज द आंसर। अभी आते हैं डेली पे। डेली पे अगर आप प्राइस एक्शंस को देखोगे तो ये कहां पे आके रुका है, 200 पीरियड पे। यानी ये एक इंपॉर्टेंट एरिया स्टेशन बन चुका है रेजिस्टेंस के लिए। अगर इसको ऊपर जाना है तो पहले इस दो हाई जो है दोनों हाई को तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा एक बार, तभी जाके अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा सेलिंग, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे हम येन आईनर पे बाय डिप्स का एक पॉसिबिलिटीज हम देख सकते हैं। सो वीकली पर्सपेक्टिव में एक रेजिस्टेंस है, मंथली पे डबल बॉटम के बाद ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाने के लिए और टाइम चाहिए। डेली पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे, मीन्स 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक शार्प रिजेक्शन प्राइस हुआ है। इसको अगर ऊपर जाना है तो ये जो दो दिन का हाई है इसको ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। सो ये हो गया येन आईनर का एनालिसिस एंड डॉलर येन का एनालिसिस वीकली पर्सपेक्टिव में हम इसको कैसे देखना पसंद करेंगे। आशा करता हूँ जो लोग करेंसी स्पेसिफिक एनालिसिस में मोर इंटरेस्टेड होंगे, ये वाला जो एक्सक्लूसिवली टू डॉलर येन एंड येन आईनर आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स एंड विशिंग यू ऑल ए नाइस वीक।